हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो एक हमें क्या दिया गया है, टावर दिया गया है और एक हमें क्या दी गई, बिल्डिंग दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। आप लोग देखिए गौर से, बिल्डिंग ऊंची होगी या टावर ऊंचा होगा, आप लोग समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग ऊंची होगी या टावर ऊंचा होगा। तो हमारा टावर क्या होगा, ऊंचा होगा बिल्डिंग से। तो ये हम क्या करते हैं, टावर बना रहे हैं। ये हमने क्या करा, टावर बनाया, ये बिल्डिंग बनाया। इसको नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोलते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। ये हमारे क्या है, बिल्डिंग और टावर है। फिर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप ये होगा और हमारा टावर का क्या होगा, बॉटम ये होगा। तो यहां से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये हमारा एंगल होगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल होगा 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर का टॉप क्या होगा, मेरा ये होगा, टावर का टॉप ये होगा, फुट क्या होगा बिल्डिंग का, ये होगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा मेरा 60 डिग्री का। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने सबकी नेमिंग ऑलरेडी कर रखी है। और इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर की हाइट भी दे रखा है, ये कितना 50 मीटर। तो ये हाइट जो दी है वो क्या दिया है, 50 मीटर की हाइट दे रखा है। ये हमारा 50 मीटर का कोई टावर है। तो हम बता देते हैं इसको क्या क्या हमारे पास दिया गया है। लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर गिवन है, लेट ना लिखो, गिवन है। ठीक है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी दी गई है। ठीक है, तो ये हाइट हमारी टावर की दे रखा है और हाइट हमारा बिल्डिंग की ए बी हमने मान रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी या सी डी बी में, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे सी डी बी में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी बी। कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, सी डी बी। तो सी डी बी में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे। तो मेरे पास क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करें जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए और बेस आ जाए। तो लिख लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें आएगा, ये टेन के फॉर्मूले में आएगा, किसके फॉर्मूले में आएगा, टेन। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह पर क्या देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं CDB, ये देख रहे हैं। तो इसमें एंगल कौन सा है, 60 डिग्री का है। तो tan 60 इक्वल टू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू की बात करेंगे, ये CD है, CD की वैल्यू कितनी दी गई, 50। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं परपेंडिकुलर की 50। बेस की बात करेंगे, क्या है ये, BD बेस है, तो BD लिख देंगे, BD। टेन 60 हमारा होता है, रूट थ्री की वैल्यू होती है टेन 60 में। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री इक्वल टू 50 अपॉन बीडी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी इक्वल टू निकल के आएगा 50 अपॉन रूट थ्री। ये हमारी बीडी की वैल्यू निकल के आएगी 50 अपॉन रूट थ्री। तो ये हमारा बीडी निकल के आ जाएगा 50 अपॉन रूट थ्री। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ए डी बी ट्रायंगल में बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमें बी डी निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लेंगे टेन का, टेन में परपेंडिकुलर भी आता है बेस भी आता है। तो टेन, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की जगह पर क्या लेंगे, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर मेरा ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी। बेस की बात करेंगे, बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू, ए बी की बात करेंगे मेरा ए बी ही रहेगा, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। बी डी की बात करेंगे तो बी डी हम एज इट इज लिख देंगे, बी और डी। ठीक है,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू निकल के आएगा, ए बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए बी इक्वल टू बी डी अपॉन रूट थ्री, ये मेरा निकल के आएगा। बी डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, बी डी की वैल्यू दी 50 रूट थ्री, कितना दिया है 50 अपॉन रूट थ्री इंटू 1 अपॉन रूट थ्री, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। बी डी की वैल्यू 50 अपॉन रूट थ्री इंटू 1 अपॉन रूट थ्री, तो 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 निकल के आएगा, और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 बचा 2, 3 6 18 एक्स्ट्रा बचा 2 2 अपॉन 3, ये हमारा 16 सही 2 अपॉन 3 मीटर हमारी वैल्यू निकल के आएगी ए बी की। तो ए बी जो हाइट निकल के आ रही है, ए बी इक्वल टू 16 होल सही 2 अपॉन 3 मीटर ये निकल के आएगी जो हाइट होगी बिल्डिंग की। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, ये होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही मेरा आंसर हो जाएगा 16 सही 2 अपॉन 3 हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा।